नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप। जय श्री राम आप सभी को। मैं हूं आपका दोस्त जयेश वाघेला, फाउंडर ऑफ धार्मिक स्टोरी डॉट कॉम एंड सीक्रेट मिस्ट्रीज। आप सभी का स्वागत है आज के इस लाइव सेशन में, जो कि वीडियो कॉल सेशन है इंस्टाग्राम पर हमारे प्यारे भक्त का। और आज ये हमारा एपिसोड नंबर 3 है। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी को एक बात बता दूं, अगर आप मुझे अपना अनुभव इंस्टाग्राम पर वीडियो कॉल के माध्यम से शेयर करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। आप लिंक पर क्लिक करके मुझे फॉलो करके आप मुझे मैसेज करके बता सकते हैं, या फिर आप dharmicstory@gmail.com पर मुझे अपना अनुभव ईमेल भी कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस थर्ड वीडियो कॉल लाइव सेशन पर। नमस्कार भैया, जय श्री राम आपको। सबसे पहले आप बताइए आपका नाम क्या है और आप कहाँ से बिलोंग करते हैं। मेरा नाम आयुष पड़ेगा, मैं बिहार के गोपालगंज डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला हूँ, छोटे से मार्केट सिधोलिया से। क्या बात है, और आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वीडियो कॉल के सेशन में। और आपका बहुत धन्यवाद जो आपने समय निकाला अपना अनुभव, और जो भी आपका अनुभव है आज आज इस वीडियो कॉल के माध्यम से आप शेयर कर सकते हैं, क्योंकि हमारा एक ही लक्ष्य है कि हनुमान जी के भक्ति के लिए लोगों को प्रेरित करना। ठीक है, तो आपने जो भी चीज अनुभव की है, मतलब जैसे आपने हनुमान जी की भक्ति कब शुरू की, आपका अनुभव क्या रहा, हमारी वीडियोस देखने के बाद आपका अनुभव क्या रहा, आज जो भी है दिल खोल कर अब जो कुछ भी है हनुमान जी की भक्ति से प्रेरणा जो आपको मिली है सब बता सकते हैं। तो सबसे पहले आप मुझे आज बताइए कि हनुमान जी की भक्ति आपने कब शुरू की, यानी हनुमान जी की शरण में आप कब गए। ऐसे भी सच बताऊं तो मैं बचपन से शिव जी का भक्त रहा हूं, और मैं 9 साल की उम्र में मैं सुल्तानगंज से देवघर पैदल, वो कांवर लेके जाते हैं ना, ओह क्या बात, वो हम गए हैं 110 किलोमीटर पैदल। बहुत अच्छे। तो बचपन से शिव जी का भक्त रहे हैं, लेकिन इधर 6 महीने पहले से मैं मतलब हनुमान जी के मंदिर जाता हूँ जी। मतलब वैसे पहले मैं हरेक मंगलवार हरेक शनिवार को व्हाट्सएप पे फेसबुक पे स्टोरी डालता था ऐसे, मतलब इतना ज्यादा सीरियस नहीं था, बस नियम से ये किया करता था, तो बस यही था। और ये 6 महीने पहले से मैं मतलब थोड़ा पता चला मुझे, मैंने स्टोरी ध्यान से सुना तो कि उसमें रामायण में शायद अमर होने का वरदान दिया था सीता माता ने, सो मैं थोड़ा सा उस पर विश्वास हुआ हमको और मैं मंदिर जाने लगा। भैया मैं देखिए बहुत मैं प्रैक्टिकल एक स्टूडेंट रहा हूँ अपने स्कूल लाइफ में या फिर रियल लाइफ में भी, कोई भी बात मैं पोकट में नहीं करता, मैं जितनी भी चीज मैंने मांगी है प्रभु से वो सब चीज मुझे मिला, मतलब एक भी चीज भी कंप्लेंट नहीं है, क्या जो भी देखता हूँ प्रैक्टिकल बस। तो मैं अपने सीक्रेट मिस्ट्री जो यूट्यूब चैनल है, अपना जो फैमिली है, उन सबसे यही बोलना चाहता हूँ कि और लोगों को वो जोड़े और लोगों को कनेक्ट करें अपने फैमिली में जी, और लोगों को मोटिवेट करें जी, ताकि भक्ति लोग करें, और ये बहुत जरूरी है भैया, क्योंकि बहुत सारे अनुभव जो हमने मतलब देखे हैं अपने लाइफ में सारे बताने लगे तब तो मतलब इन्हीं 6 महीने में जी जी। आपने ऐसा क्या, जैसे देखो आपने तो पहली बात तो बहुत सही बात कही कि हनुमान जी की शरण में जो भी जाता है और उनकी हर एक मनोकामना पूर्ण होती है, और आपने खुद ने कहा कि मुझे कोई कंप्लेन नहीं है, मुझे जो चाहा वो मिला, क्योंकि आप दिल से प्रभु को मानते हो और आप दिल से अटैच हो प्रभु से, तब जाके आपकी हर इच्छा, और कई बार होता क्या है पता है, हमें कुछ मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ती, अगर हमारी भक्ति सच्ची है ना तो प्रभु हमारे मन की बात पहले ही जान जाते हैं और हमारे मांगने से पहले ही वो चीज हमारे सामने आ जाती है, समझ रहे हो। जो हम चाहते हैं मतलब अंदर से कि शायद ये हो जाता मेरे लाइफ में तो बहुत अच्छा होता, मतलब चाहने से ही होने लगता है। अच्छा, मतलब ये भी चीज हुआ राइट, तो यही तो है मतलब प्रभु भक्ति की महिमा, और खासकर हनुमान जी तो बहुत ही दयालु है, वे तो हमेशा अपने भक्त की दुख दूर करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। ठीक है, वे उनके आप मात्र मात्र भले आप चलो हनुमान चालीसा का पाठ करो या ना करो या कोई भी पाठ करो, केवल केवल आप राम नाम का स्मरण भी करोगे ना
तो भी वे प्रसन्न होंगे आप पे, समझ रहे होंगे। सही बात, बिल्कुल सही बात। बहुत अच्छा लग रहा है आज आपसे इंटरेक्शन करके, वार्तालाप करके। आपके मन में कोई भी ऐसा अनुभव हो, आपको लगा हो कि नहीं यार मैंने ये हनुमान जी का स्मरण किया था, या हनुमान जी का ये पाठ किया था, या हनुमान जी से ये मांगा था और हनुमान जी ने पूर्ण किया, ऐसा कोई अनुभव आपके दिमाग में हो तो आप डेफिनेटली आज सभी दर्शकों से शेयर कर सकते हो। क्योंकि होता क्या है, जैसे आप दूसरों के अनुभव देख के प्रभावित हुए, ठीक है, आपको मोटिवेशन मिलता है, और आज लाइव आपकी वाणी से, अभी सोचो नॉर्मली मैं नरेट करता हूँ लोगों की स्टोरीज, ठीक है, और आज के इस सेशन में आप खुद अपनी स्टोरी नरेट करोगे लोगों की, कितने लोगों के दिलों तक पहुंचेगी, कितने लोगों का जीवन परिवर्तन हो सकता है। तो दिल से एक कोई भी अच्छा सा अनुभव आपने जो अनुभव किया होगा आज इस वीडियो के माध्यम से बताएं। और सबसे पहले तो भैया आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपका मैंने वीडियो जब फर्स्ट टाइम मैंने देखा था, यूट्यूब पे ऐसे ही स्क्रॉल कर रहा था, आपका वीडियो आया, मैंने उस पर क्लिक किया। वो वीडियो देखने के बाद मतलब मैं सारा वीडियो आपको देखने लगा डे बाई डे, मतलब रोज ही देखता रहा आपके वीडियो, आज भी देखता हूँ, अभी बहुत सारे वीडियोस आपको पुराने वाले भी देखता हूँ मैं बहुत। तो आप मतलब मेरा एक रियल मोटिवेशन समझ लो आप ही हो, बहुत ज्यादा विश्वास बढ़ा प्रभु के प्रति आपकी वजह से। तो अनुभव जो इसी मंगलवार के दिन 21 जून को जो घटित हुआ मेरे आंखों के सामने, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ दोस्तों। जी बिल्कुल बताइए। तो हुआ ये था कि सवेरे सवेरे मैं जाता हूँ हनुमान जी के मंदिर, जो हमारे घर से लगभग 200 मीटर की दूरी पे है जी, और वहीं पर एक ट्रांसफार्मर है जहाँ से हमारे पूरे एरिया में लाइट सप्लाई होता जी। तो बात लेते एक बहुत ही जोर का आवाज आया, मतलब जैसे किसी को जोर से करंट लगा हो। आप कहाँ पे, आप नहा रहे थे और बाहर से आपको आवाज आई जैसे जैसे गन से एकदम okay. जो किसी को okay. करंट नहीं ओके ओके उस टाइप ओके। तो मुझे तो लगा कि किसी को बहुत जोर का मतलब करंट लगा है, शायद वो कोई जानवर हो सकता है या कोई इंसान ही हो सकता है जी। तब तक हल्ला हो गया कि इस इंसान को ऐसा कुछ हुआ है। तो मैं गया मंदिर रेडी होके, मंदिर के लिए मैं रेडी हो गया और मैं जा रहा था जी। तो मैं देखा कि बस मंदिर के पास ही ट्रांसफार्मर था, वहां पे बहुत सारा मतलब भीड़ लगा हुआ था, बहुत सारे लोग थे, एरिया के सारे लोग थे जी। और वो इंसान पड़ा हुआ था, मतलब जैसे कि मर गया हो, एकदम उसकी सांस थम गई थी, सांस रुक गई थी उसकी, और सारे लोग देख रहे थे और सारे लोग बोल भी रहे थे कि अब ये गया, मतलब इतना जोर का उसको झटका लगा था। तो मैंने उसे देखा और फिर मैं पूजा के लिए निकला था, तो मैं मंदिर चला गया, और मंदिर जाने के बाद मैं अच्छा से पूजा पाठ किया, मैंने हनुमान चालीसा का पाठ किया, और उसके बाद मैं यही मन्नत मांगी कि भगवान बहुत अच्छा इंसान है, वो बहुत हेल्पफुल है, हमेशा लोगों के लिए रेडी रहता है, कभी भी बुलाव चला आता है, कोई भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज उसे बचा लीजिए अगर संभव हो तो। आप उस इंसान को जानते थे? जान पहचान का ही था ना, पूरा एरिया को कवर रखा था, बहुत अच्छा इंसान था वो। वही मैंने प्रभु से बोला कि बस ठीक कर दीजिए आप, और ये बोलते टाइम हमको मतलब आंखों में आंसू आ गए, मतलब कोई अच्छा इंसान को इस हालत में देखते हुए अच्छा नहीं लगता है ना जी। तो मैंने बोला और फिर निकल के, वहाँ पे भीड़ लगी हुई थी, दो चार लोगों को मैंने वहाँ पे प्रसाद दिया और मैं वहाँ से चला गया जी। शाम तक न्यूज आया कि मतलब वो जिंदा है, अच्छा है, सही सलामत है, सबसे बात कर रहा है, और वो खड़ा भी है, मतलब बेड पे नहीं है, खड़ा भी है, चल फिर भी रहा है, मतलब मुझे लगा कि शायद प्रभु ने सुन लिया। बहुत अच्छी बात है, यहाँ पर एक चीज लोगों को आपसे ये सीखने मिलेगी कि देखो अपनों के लिए तो हर कोई प्रार्थना करता है, समझ रहे हो, कि भाई हमारे फैमिली मेंबर, माता पिता, भाई बहन हो, कि भाई मेरे माता पिता को ठीक कर दो, इनको ठीक कर दो। आप उनके लिए प्रार्थना कर रहे थे जिन जो मतलब आपके घर के नहीं थे, मतलब सिर्फ जान पहचान के थे, और पहचान के, हाँ, और जिसके इसे बोलते हैं दया। अगर आपको किसी को देख कर, किसी का दर्द देख कर अगर आपके दिल में दया उत्पन्न होती है, तो समझो कि आपके दिल में परमात्मा का वास है, ठीक है।
और वैसे भी हमारे हनुमान जी तो है ही दयालु, वो भक्त की थोड़ी सी भी भक्ति देखकर तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं और अपने भक्तों के सारे कार्य पूर्ण करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। भैया देखे तो ये मेरे लिए तो छोटा अनुभव नहीं था, क्योंकि वहाँ पे जो लोगों का दशा मैंने देखा था, सारे लोग 100% लोग बोल रहे थे वहाँ पे कि वो मर गया, करंट लगा उसको बहुत जोर का लगा, एक बार नहीं दो दो शॉट लगा उसे और वो मर गया। और समझ लीजिए 200-250 मीटर की दूरी पे उसको करंट लगा और मैं घर पे नहा रहा था, उस टाइम आवाज भी आया मुझे इतना दूर से, इतने दूर से भी एकदम जोर से आवाज आई और लोगों ने बोला कि मतलब ये चला गया है, मतलब प्रभु ने उनसे एक नया जीवन दान दिया, समझ जाओ। देखा मतलब हाँ, वो मौत के मुंह से वो बाहर निकला, मतलब एक तरह से आप देखिए तो खत्म ही हो चुका था, उसकी सांस रुक गई थी 10 मिनट के लिए, जी जी इतना हो गया। और ये हनुमान जी के मंदिर के पास में ही हुआ आपने बताया? दम वहीं पे जस्ट मंदिर है उसी के बगल में, मैं आपको फोटो क्लिक करके आपको सेंड कर दूंगा इंस्टाग्राम पे, आप देख लेना। बिल्कुल आप बताइएगा, मैं भी दर्शन करूंगा वहाँ के हनुमान जी के, डेफिनेटली मैं तो वेट करता हूँ, क्योंकि हनुमान जी एक ऐसे देवता हैं जिनके मंदिर आप कोई छोटा गांव भी हो या बड़ा शहर भी हो, आपको हनुमान जी का मंदिर मिलेगा ही, और मैं तो बहुत उत्साह रहता हूँ। भैया एक अनुभव और है, वो थोड़ा डिफरेंस है, मतलब सारे वीडियो से आपको हटके है, मतलब ये अनुभव अजीब ही तरह का है। यही इसी मार्च में हम लोग ट्रिप के लिए गए थे सिक्किम, सिक्किम घूमने के लिए जी। तो ट्रिप मेरे मामा थे और एक मेरा छोटा भाई था, मेरा अपना नहीं मतलब मामा का लड़का था वो, मैं तो भाई मैं अकेला हूँ एक जी। तो वो हम लोग ट्रिप के लिए गए और सब चीज ठीक रहा, हम लोग गैंगटक में गए, गैंगटक में मेरी एक मौसी रहती है, वहीं पे हम लोग 2-3 दिन के लिए ठहरे थे जी। हम लोग प्लानिंग किए कि कल सवेरे उठ के हम लोग और एक हनुमान टक करके मंदिर है वहाँ पे जी, वो मतलब हनुमान जी का बड़ा मंदिर है जी। तो सोचे कि हम लोग चलेंगे सवेरे वहाँ पे जी। तो सवेरे हम लोग जगे और बिना नहाए धोए ही हम लोग वहाँ पे चले गए मंदिर, मतलब ये गलती की हम लोग नहा धो के वहाँ पे जाना चाहिए था बिल्कुल, लेकिन हम लोग ऐसे ही वहाँ पे चले गए जी। और मेरे छोटे भाई का कैमरा था, हम लोग वहाँ पे फोटो शूट वगैरह किए अच्छे से। इसके बाद लास्ट में मेरा भाई बोला कि चलो मंदिर के अंदर चलते हैं, बाहर तो हम लोगों ने फोटो ले ली लेकिन अंदर चलते हैं। तो मैंने उसे रोका कि देख भाई नहाए धोए हम लोग नहीं है, अंदर जाना ठीक नहीं है, बाहर ही फोटो वगैरह ले ले और बाहर से ही चलते हैं बिल्कुल, नमस्ते करके भगवान जी को बिल्कुल। तो वो बोला कि नहीं अंदर, मन चंगा तो कठौती में गंगा, चलो अंदर चलो। वो अंदर चला गया और उसके पीछे पीछे हमारे जो मामा थे वो भी अंदर चले गए, लेकिन मैं नहीं गया, मैं उन लोगों की बातों से मैं सहमत नहीं था और मैं अंदर नहीं गया, और उन लोग का मैं बाहर ही बैठ के वेट किया, वो लोग आए तो फिर हम लोग रिटर्न चले आए। उसी दिन शाम को भी वो मेरे छोटे भाई की मतलब एक गर्लफ्रेंड थी और 2-3 साल से मतलब रिलेशनशिप एकदम स्मूथ चल रहा था, अच्छे से चल रहा था, अचानक से उसका कॉल आया जी और उसने बोला डायरेक्ट ब्रेकअप उसी दिन शाम को। ओहो, तो मैंने बोला साले तुझे को मैंने रोका था कि अंदर मत जा, तू क्यों गया, देख तेरे साथ ये घटित हो रहा है। तो एक तो ये हो गया, और उसी के 2-3 दिन के बाद मेरे मामा कॉलेज के काम से स्कूटी से कहीं जा रहे थे जी, और उनका एक्सीडेंट हो गया और उनका एक हाथ टूट गया। ओहो, उनसे भी मैंने बोला कि उस दिन मेरा बात तूने क्यों नहीं माना, अंदर क्यों मतलब नहा धो के जाना चाहिए था अंदर, एक फोटो खींचने के लिए तू मंदिर के अंदर घुस गया बिना नहाए धोए। बिल्कुल, दोनों को मैंने समझाया, फिर वो दोनों मान गए और हाथ जोड़ के बोले कि हाँ हम लोगों ने गलती की है। फिर आज सब कुछ ठीक है, उनका हाथ ठीक है और इसकी गर्लफ्रेंड भी मतलब वापस आ गई है, वो लोग अब मानते हैं हनुमान जी को। ये इससे भी आप बहुत बड़ी सीख मिलती है, देखो आपके पहले अनुभव आपने जो शेयर किया उससे भी काफी बड़ी सीख मिली, इस अनुभव से भी ये भी सीख मिलती है कि देखो हमारे सनातन धर्म में पहले से अगर आप देखोगे ऋषि मुनियों के तप की बात भी करें तो स्वच्छता मतलब जितनी पवित्रता होती है उतना ज्यादा अच्छा होता है। स्पेशली हम अगर किसी देवस्थान में जाते हैं तो ऑब्वियसली आपको नहा धो के स्वच्छ होके ही जाना है, और
अंटिल एंड अनलेस, देखो जब तक आपके पास सारी सुख सुविधा है, अगर आपके हाथ पांव चंगे हैं, सब कुछ सही चल रहा है और आप जानबूझकर गलती कर रहे हो, तो भाई ये गलती है, ये तो आपको मानना ही पड़ेगा। और ये बड़ी बात है कि उन्होंने ये अपनी गलती मानी, मतलब भगवान से, देखो यार हम इंसान है, जाने अनजाने में गलतियां हो जाती है, ठीक है, और इससे अगर आपको पश्चाताप होता है और हम अपनी गलती एक्सेप्ट करके ईश्वर के सामने क्षमा मांग लेते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, अगर कई बार पहले जैसा हो गया, उन लोगों ने माफी मांगा हाथ जोड़ के, इसकी गर्लफ्रेंड भी वापस आ गई और मामा का हाथ जो है वो भी उनका वो जल्दी है अभी, नहीं बिल्कुल लाइफ ठीक है। हाँ, और एक केस ऐसा भी होता है कि कई बार हम बीमार होते हैं, कई बार हमारी ऐसी परिस्थिति नहीं होती है जिससे हम स्वच्छ 100% रह सके, ऐसा भी होता है, मतलब बोले ना जेन्युइन सिचुएशन होती है कि उन सिचुएशन में कई लोग बोलते हैं कि भाई मैं बेड रेस्ट पे ही हूँ, मैं उठ नहीं सकता, कई बार बीमार इंसान नहाना भी नहीं होता है, तो क्या मैं पाठ कर सकता हूँ, क्या ये कर सकता हूँ, तो डेफिनेटली एक्सेप्शन होते हैं, प्रभु भी समझते हैं। आपके पास सब सुख सुविधा ने के बावजूद अगर आप जानबूझकर आलस करके या कोई गलती कर रहे हो तो ऑब्वियसली आपको भाई प्रभु तो नाराज होने ही है, मगर अगर कोई जेन्युइन रीजन के कारण आप स्वच्छ नहीं रह पा रहे हो मगर मन में पवित्रता है तो डेफिनेटली आप प्रभु का स्मरण कर सकते हैं। बिल्कुल okay. और एक बात, हमारी चैनल से जो आप अनुभव देखते हो, वीडियोस देखते हो, लोगों के डिफरेंट डिफरेंट अनुभव देखते हो, विश्वास बढ़ा। और आपका वीडियोस मैं लगभग 6 महीने से देख ही रहा हूँ, आपका वीडियो 6 महीने हो गए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत लक्की मान रहा हूँ कि आपसे यहाँ पे इंस्टाग्राम पे मैं आपसे फेस टू फेस बात कर रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपनी हर वीडियो में हनुमान जी की कृपा है बस, और क्या ये बस, यस बिल्कुल, ये हनुमान जी की कृपा है और मैं मात्र आपके जैसा एक नॉर्मल सामान्य भक्त हूँ, एक भक्त दूसरे भक्त से प्रभु का बखान कर रहा है, प्रभु की कृपा का वर्णन कर रहा है, बस यही मेरा उद्देश्य है कि प्रभु की कृपा जो लोगों पे होती है, प्रभु की महिमा को हम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। चीज मुझे बहुत अजीब लगता है, मैं शनिवार और मंगलवार के दिन, मतलब उस दिन मेरा वेटिंग में ही स्टार्ट होता है कि आज जयेश भैया का वीडियो आएगा, मुझे देखना है। तो आप कभी 1 बजे अपलोड करते हैं, कभी शाम भी हो जाता है, कभी 11-10 बजे भी कर देते हैं, अब मेरा वेट रहता है मतलब। और फिर मुझे लगता है कि बीच में भी 1-2 वीडियो डाल देते तो अच्छा ही होता, मतलब मुझे बहुत अच्छा लगता है देख के, वेट मैं करता हूँ। आज शनिवार है, अगर आज का मैंने आपका वीडियो देख लिया तो फिर मैं मंगलवार का वेट करता हूँ, मतलब दिल से वेट करता हूँ कि आपकी वीडियो आएगी, मैं देखूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप इतना प्यार और सपोर्ट दे रहे हैं, मगर कई बार आपसे क्षमा भी चाहता हूँ, होता क्या है मैं अकेला पूरा सब कुछ हैंडल करता हूँ, कई बार परिस्थिति ऐसी होती है कि वीडियो फाइनल करने में लेट हो जाती है, बनाने में लेट हो जाते हैं, कई बार टेक्निकल प्रॉब्लम आ जाती है, लाइट चली जाती है या कई बार नेट डाउन हो जाता है, तो जिसके कारण थोड़ा अपलोड आगे पीछे होता है, मगर प्रभु की कृपा से मैं कोशिश पूरी करता हूँ कि बस समझो भले मंगलवार तो मंगलवार पूरे दिन में वो 1 वीडियो तो आनी ही चाहिए या शनिवार तो 1 वीडियो आनी ही चाहिए, कोशिश पूरी करता हूँ। अनटिल एंड अनलेस मैं समझो आउट ऑफ टाउन हूँ या मैं भी परिवार लेके बैठा हूँ तो कहीं ना कहीं जाना आना होता है, कई बार मिस हो जाती है, नहीं तो शनिवार और मंगलवार को मैं कोशिश पूरी करता हूँ कि वीडियो आ जाए, और आप सबके सपोर्ट के बदौलत बीच बीच में भी ये वीडियोस आती रहेंगी, आपके खुद के अनुभव की जो आप खुद बता रहे हो। और आज का वीडियो एंड करने के पहले जो मैं हर बार पूछता हूँ अपने हर एक सब्सक्राइबर को, आप हनुमान जी की भक्ति हमारे चैनल के सपोर्ट के लिए आप 1 लाइन में क्या बोलना चाहेंगे? मैं 1 लाइन में बस यही बोलना चाहूंगा कि ये जो आप काम कर रहे हैं ना, मतलब अपने अपने देश के लिए, अगर देखिए दुनिया का कोई भी धर्म हो जी, मैं तो ये बोलूंगा कि हनुमान जी का अगर वो दिल से अगर पूजा पाठ करे, याद भी करे, पूजा पाठ ना पे दिल से याद करे और विश्वास रखे, अटूट विश्वास जो आप बताते हैं इस आपके बात से मैं बहुत ज्यादा सहमत रहता हूँ। और जयेश भी आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मतलब एक यूनिक YouTube पे आपके जैसा कोई चैनल मिलने वाला नहीं है, कितना भी ढूंढ लो, आप एक यूनिक यूट्यूबर हो ये मैं बोल रहा हूँ। और आप YouTube के फैमिली के किसी भी बंदे से आप या बंदी से पूछ लीजिएगा, वो भी यही बोलेंगी बोलेगा
तो आप आपका मतलब YouTube का एक यूनिक चैनल है और मेरी तरफ से हमारे फैमिली की तरफ से पूरा सपोर्ट है, और मैं बोलना चाहूँगा अपने YouTube के पूरे फैमिली से कि और भी लोगों को वो जोड़े और लोगों को मोटिवेट करे। और ये माइथोलॉजी नहीं है, मैंने खुद प्रैक्टिकल किया है तो मैं यहाँ पे आया हूँ और सबसे बोल रहा हूँ। ये जयेश भैया बातों पे आप लोग विश्वास करें, ये जो भी बोलते हैं सही बात है एकदम प्रैक्टिकल, मैंने खुद देखा है। मैं इनका रिश्तेदार नहीं हूँ, आप लोग सोचते हैं मैं रिश्तेदार हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। मैं भी एक आप लोगों की तरह ही एक सब्सक्राइबर हूँ जो मैं इनसे बात कर रहा हूँ, और ये शायद गुजरात के रहने वाले हैं और हम बिहार के हैं, हम उनका कोई कनेक्शन नहीं। हमारा बस एक ही कनेक्शन है कि आप भी हनुमान जी के भक्त हो, मैं भी हनुमान जी का भक्त हूँ, एक भक्त एक दूसरे से प्रभु का बखान कर रहे हैं बस, और कुछ नहीं है, और कोई रिलेशन नहीं, और इससे बड़ा रिलेशन कोई होना भी नहीं चाहिए। यही सबसे बड़ी ये एक ही भाषा है जो हम भक्ति की भाषा है, ये एक ही कॉमन भाषा है हमारे 17 लाख सब्सक्राइबर की। हर बंदा प्रभु की महिमा को जानना चाहता है, समझ रहे हो आप, खुद नहीं आपके अनुभव को देखने के बाद कई लोगों का जीवन बदल जाएगा, वो भी बोलेंगे कि भाई हमने किसी का अनुभव देखा था जिन्होंने ऐसा प्रे किया था किसी के लिए, या किसी से ये गलती हुई थी मंदिर में जाने के पहले उन्होंने स्नान नहीं किया था, तो वो ये सब चीजें छोटी छोटी चीजें किसी के जीवन में बड़ा परिवर्तन ला सकती है, ठीक है, ला सकती बस। और जल्द ही ऐसे ही आपसे मैं कोशिश करूंगा आपसे वापस जुड़ने के लिए, आपके पास अगर कोई ऐसा और अच्छा अनुभव हो हमारे प्रभु से जुड़ा तो आप मुझे डेफिनेटली इंस्टाग्राम पे मैसेज करिएगा, ऐसे ही वीडियो कॉल पे वापस एक लाइव सेशन हो जाएगा वापस आपके लिए मैं जरूर करूंगा। बहुत अच्छा लगा आज आपसे वार्तालाप करके, बहुत अच्छा लगा, और मैं तो मतलब कभी सोचा ही नहीं था मैंने कि आपसे डायरेक्ट मैं ऐसे बात कर पाऊंगा। नहीं, मेरे लिए तो थैंक यू, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बस ऐसे ही सपोर्ट करते रहना, और आप मुझे उस मंदिर हनुमान जी के मंदिर के दर्शन जरूर कराना, हो सके तो अगर आज शाम तक कराएंगे, अगर आप मुझे फोटो भेजेंगे तो मैं डेफिनेटली वीडियो में भी सबको बताऊंगा, सबको दर्शन कराऊंगा, ठीक है। आज शाम पक्का आपको मैं फोटो मतलब सेंड कर दूंगा, श्योर श्योर श्योर, मैं वीडियो ताकि लोग भी हनुमान जी के दर्शन करें, उनको उनकी कृपा मिले हनुमान जी की, लोगों को बस मैं यही चाहता हूँ, ठीक है। और जैसे हमारे लाइव वीडियो में एंड में आपको मालूम है क्या रिवाज है, प्रभु के नाम का जयकारा लगाना है, तो थोड़ा आप भी हमारे साथ मग्न हो जाइए। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, तो जल्द मिलेंगे आपसे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जय श्री राम, आपका भी धन्यवाद।